नमस्कार, अनूप ज्योति चैनल में आप सबका स्वागत है। हम आपको एक दंतोर क्षेत्र की बड़ी न्यूज़ दिखाने जा रहे हैं। कटते पेड़ वीरान होता दंतोर क्षेत्र, बे बॉर्डर क्षेत्र। हम आपको कह रहे हैं कि सांची कहांगा जी, लोगों ने बुरी लागे तो लागे जी। बीकानेर के दंतोर क्षेत्र की जो ये समाचार है हम आपको बता रहे हैं। दंतोर पंचायत में लगे प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत खाजूवाला में उपखंड अधिकारी को ग्रामीणों ने ज्ञापन देकर रेंज प्रभारी की जांच की जाए और उसकी मिली भगत से नहर के किनारे पेड़ों की अवैध कटाई हो रही है, जो भी इस कृत्य में लिप्त है इसकी जांच करवाई जाए। ग्रामीणों ने जोरदार शब्दों में मांग की, लेकिन हुआ कुछ नहीं। वन विभाग के बाबू, रेंज प्रभारी वे वन मित्र सब लगे हैं पेड़ों को कटवाने में, वन माफिया कमीशन देते हैं, इस कारण उन पर कार्रवाई नहीं होती। लेकिन किसान अपने खेत से घरेलू जरूरत की लकड़ी काट लेता है और अगर लाते हुए दिख जाता है तो उस पर तुरंत हाथों हाथ कार्रवाई हो जाती है। पर्यावरण से पृथ्वी का गहरा नाता है। इस रिश्ते की डोर को सबसे मजबूती से जिसने बांध रखा है वे पेड़ ही है, लेकिन दरख्तों की बेहिसाब कटाई और रेगिस्तान जंगलों के बीच आज अगर हम छांव को तरसते हैं तो हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इन हालातों के जनक भी हम ही हैं। प्रदेश में पेड़ लगाने का अभियान छेड़ने वाली सरकार भी अब हरियाली को लेकर चिंतित दिखाई नहीं पड़ रही है। उनकी सरकार के विधायक अपने चहेते अधिकारी को लगवाते हैं और उनके कमाऊ पूत से भी बढ़कर वो उनको कमाई देते हैं। इस सरकार के वन विभाग के कर्मचारी मिली भगत करके वन माफियों के द्वारा खेती से, जंगलात से पेड़ पर पेड़ कटवा रहे हैं। इसीलिए बीते दिनों में पेड़ कटकर जिप्सम की फैक्ट्रियों में पेड़ों के गुटके बना बनाकर वन माफियों ने लकड़ी का अंबार लगा दिया है। वन विभाग के कर्मचारी पेड़ काटने और कटवाने वालों पर सख्त कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इस कारण वन माफिया दिन के 12 बजे और 1 बजे धर्म कांटों पर लकड़ी तुलवाते नजर आते हैं। सरकार लकड़ी बचाने के लिए वन विभाग के कर्मचारी लगाती है, पर वे कर्मचारी भ्रष्टाचार में स्वयं ही लिप्त है और लकड़ियां कटवा रहे हैं। सरकार के इस आदेश पर अमल करने वाले महकमे की पड़ताल करें तो साफ होता है कि उनके पास सरकारी आदेश को जमीन पर उतारने के लिए कोई नीति और नीयत नहीं है। यही वजह है कि जब वन महकमे के हुक्मरानों से पेड़ पौधे लगाने के बाबत बातचीत की जाती है तब उनके दावे इतने बढ़ चढ़ कर होते हैं कि उस पर सहसा विश्वास कर पाना आसान नहीं होता। बीकानेर जिले की छत्तरगढ़ रेंज में पेड़ लगवा कम रही है और कटवा ज़्यादा रही है। स्वार्थ सिद्धि के लिए उजड़ते जंगल आंकड़े बताते हैं कि बीते दिन 3 साल में हरियाली कम हुई है। लोगों के मुताबिक 3 साल में वन विभाग की जमीनों में लाखों से ज़्यादा पौधे लगाए गए, लेकिन छांव कहीं भी मैसर नहीं है। पिछले 15 वर्षों में एक बार भी सामान्य वर्षा नहीं हुई। नमी के असंतुलन की वजह से बीते 10 सालों के दौरान औसतन न्यूनतम तापमान बढ़ ही रहा है। अधिकतम तापमान में हर दशक में तकरीबन 1 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। बीकानेर जिले के दंतोर क्षेत्र में हरे भरे पेड़ों की कटान से हालात ये बन गई है कि दूर दूर तक छायादार पेड़ नहीं दिखाई देते। चिड़ियों के बैठने के लिए छायादार पेड़ यहाँ नदारद है। पेड़ों के अभाव में बरसात होना बंद हो गई है। चुनौतियों के मद्देनजर सार्थक कदम कब उठाएगी सरकार? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर हरित राजस्थान के तहत गांव, ढाणी, शहर, कस्बे में पेड़ों की सघन श्रृंखलाएँ बनाने के लिए वन मित्र नाम की नई योजनाएँ प्रारंभ की गई। ग्रामीण क्षेत्रों में वन्य जीव संरक्षण तथा पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता के लिए बड़ी संख्या में वन मित्र कार्य कर रहे हैं।
वर्ष 2011-12 में 1000 वन मित्रों को लगाए जाने के लिए 180 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई और लगाए भी गए। वन मित्र पर वो भी इस वन कटाई में लिप्त हो गए हैं और लाखों के बारे न्यारे कर रहे हैं। 2020-21 में भी वन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बजट आवंटन तथा नर्सरियां लगाई गई, उस पर बजट में बंदरबाट हो गई। नर्सरियां लगी ही नहीं, नरेगा के तहत वन विभाग के कर्मचारी आदि में जॉब कार्ड चलाकर सरकारी खजाने में सेंध लगाते नजर आ रहे हैं। वनों की रक्षा बड़ी चुनौती है, इसे ध्यान में रखते हुए मनरेगा के तहत इको रेस्टोरेशन मॉडल में वन सुरक्षा के लिए स्थान स्थान पर पक्की दीवारों का निर्माण किया गया है। राजस्थान के लिए ये भी महत्वपूर्ण रहा है कि इसे जापान सरकार से वित्त पोषित राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना के द्वितीय चरण को मंजूरी मिली है। इस परियोजना का क्रियान्वयन वन सुरक्षा एवं प्रबंध समितियों के माध्यम से रेंजर व रेंज के बाबू सरकार को चूना लगाते देखे जा सकते हैं। भोले भाले लोगों को अध्यक्ष बनाकर सरकारी फंड को डकार रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर वन क्षेत्रों को पुनः हरा भरा करने के लिए एक विजन बनाया है, पर वन विभाग में भ्रष्टाचार के चलते दावे खोखले साबित हो रहे हैं। वन क्षेत्र तो हरे भरे नहीं हुए, पर कर्मचारी हरे भरे जरूर हो गए। सरकारी खजाने में सेंध लगाते लगाते हुए राम तेरी गंगा मेली होगी, पापियों के पाप धोते धोते की तरह लकड़ी बेचते बेचते कटवाते कटवाते कर्मचारी अमीर हो गए हैं। अब देखना यह है कि सरकार इन भ्रष्ट कर्मचारियों पर अधिकारियों पर किस तरह से नकेल कसती है और इस वन विभाग को और हमारे जो पेड़ों को किस तरह से बचाती है।